हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं वोकैबुलरी के बारे में। मैं हर वोकैब को पिक्चर के थ्रू आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। ये अपना वोकैबुलरी का 16 पार्ट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ ओवरव्यू। पहली चीज, जब मिलिट्री किसी भी लोकेशन पर निगरानी रखती है तो उसको हम बर्ड वार्निंग कैंप बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये जो प्रोजेक्ट सर्च के हिसाब से दिख रहा है इसको हम प्रोजेक्ट सर्च को क्या बोलेंगे। थर्ड थिंग, इस तरह के एनिमल जिसके बहुत सारे लैग होते हैं उसको हम वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इस सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं हूँ तुषारगर एंड आप देख रहे हैं चैनल वी आर। वोकैब नंबर 226 तक वोकैब हमने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, पहली है माउंट। माउंट का मतलब होता है ए राउंडेड मास प्रोजेक्ट में वो बेस सरफेस। मतलब यही है कि जो सरफेस है अगर उसके ऊपर किसी भी प्रोजेक्शन की दिखाया जाता है इसी चीज को हम माउंट बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है इसके अंदर जो पार्ट है वो माउंट कहलाता है। नेक्स्ट वो कैबेज कंपेयर। कंपेयर क्या होता है, ए पर्सन हूज जॉब इज टू इंट्रोड्यूस परफॉर्मर इन टेलीविजन रेडियो और स्टेज शो। इसका मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका काम है एक परफॉर्मर को स्टेज पर या फिर रेडियो पर या फिर टेलीविजन पर इंट्रोड्यूस कराना, उसी चीज को हम कंपेयर बोलते हैं। इस पिक्चर में देखेंगे जो लेडीज है यहाँ पर स्टेज शो चल रहा है, यहाँ पर वो एक परफॉर्मर को इंट्रोड्यूस करा रही है कि वो यहाँ पर आए और अपना परफॉर्म करे। इसी जो गर्ड है इसी को हम कंपेयर बोलते हैं, इसका काम है कंपेयर करना। नेक्स्ट वोकैबुलरी मिनाग्रे। मिनाग्रे का मतलब होता है ए कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल डेट आर केप्ट फॉर एग्जीबिशन। मतलब कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को हम अगर हम प्रिजन के अंदर रखते हैं और उसका एग्जीबिशन कराया जाए, मतलब को लोगों को दिखाया जाए, इसी चीज को हम मिनाग्रे बोलते हैं। इस पिक्चर में आप इजीली आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी रेकोनेंस। रेकोनेंस का मतलब होता है मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ऑफ ए रीजन टू लोकेट एन एनिमी। ऐसा कोई रीजन जो मिलिट्री के निगरानी के अंदर हो, ऐसा वही रीजन हो सकता है जहाँ पर एनिमी रहते हो, उसी चीज को हम रेकोनेसेंस बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में निगरानी करना बोल सकते हैं। इस पिक्चर में देखेंगे जो सोल्डर है वो एक एरिया पर अपना निगरानी रखा हुआ है, अपना ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। ये वो एरिया है जहाँ पर एनिमी रहते हैं, यहाँ पर एनिमी की कोई एक्टिविटी चल रही है, इसी चीज को हम रेकोनेसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वो कैवेज गैलोस। गैलोस क्या होता है, ए वुडन फ्रेम यूज टू एक्सिक्यूट क्रिमिनल बाय हैंगिंग। मतलब कि एक ऐसा फ्रेम जो कि वुडन का बना हुआ है, जो कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, और वो मोस्टली क्या यूज किया जाता है, वो क्रिमिनल को हैंग मतलब फांसी देने के काम में लिया जाता है, इसी चीज को हम गैलोस बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी मर्च। मर्च क्या होता है, वॉल इन ए मिलिट्री मैनर विथ ए रेगुलर मेजर ट्रेड। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का इस तरीके से चलना जिस तरीके से पिक्चर में दिख रहा है कि जो शोल्डर चलते हैं उसी तरीके से चलना, कि जो सबके मेजरमेंट है चलने के वो बराबर बराबर हो, कोई आगे ना कोई पीछे, इसी चीज को हम मर्च बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी सेंटीपेड। सेंटीपेड क्या होता है, ए स्मॉल लॉन्ग थिन एनिमल विद मेनी लेग्स। एक ऐसा एनिमल जो पतला लंबा और छोटा हो और जिसके जो लेग है बहुत सारे हो, उसी चीज को हम सेंटीपेड बोलते हैं। इसमें जो आपको पिक्चर में जो एनिमल दिख रहा है उसको हम सेंटीपेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो लेग हैं वो काफी सारे हैं और वो काफी छोटा है और पतला है, इसी को हम सेंटीपेड बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी अप्रैल। अप्रैल क्या होता है, क्लॉस मतलब क्लॉस को ही हम अप्रैल के नाम से जानते हैं। देखिए इस पिक्चर में इसको आप क्लॉस तो बोल सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा नेम क्या है वो है अप्रैल, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी डिसेंडेड। डिसेंडेड का मतलब होता है टू परस्यू समवन नॉट टू डू समथिंग। मतलब कि किसी व्यक्ति को राज्य करना, परस्यू का मतलब होता है राज्य करना, इसलिए राज्य करना कि वो ये काम ना करे, इसी चीज को हम बोलते हैं डिसेंडेड। इस पिक्चर में देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि मुझको मोटरसाइकिल लेनी है, लेकिन इस बात इसको बताया कि मैं मोटरसाइकिल लू या नहीं, इसने इसको समझा दिया कि अभी आपको मोटरसाइकिल नहीं लेनी चाहिए और ये मान जाता है, इसी चीज को हम डिसेंडेड बोलते हैं। मतलब कि इस व्यक्ति को उसको मना लिया कि ये काम इसको नहीं करना है। नेक्स्ट वो कैवेज आइसिंग। आइसिंग क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ शुगर विद लिक्विड और बटर टिपिकली फ्लेवर्ड एंड कलर्ड एंड यूज एज ए कोटिंग फॉर केक्स और कुकीज। मतलब कि ऐसा कोई मिक्सचर जो शुगर, जिसके अंदर शुगर हो और लिक्विड हो या फिर बटर हो, इन दोनों को मिला दिया जाए जिससे वो फ्लेवर दे और वो कलर्ड हो जाए, और क्या काम आता है वो कोटिंग करने के, किसमें, केक्स और कुकीज में। ऐसी चीज
किसी दो चीज का मिक्सचर है और जिसके अंदर कलर आ जाता है और वो कोटिंग करने काम में किया जाता है, उस चीज को हम आइसिंग बोलते हैं। इसमें देखिए पिक्चर में जो आइसिंग है वो इस तरीके का होता है, जो आइसक्रीम मोस्टली ऊपर लगाया जाता है, जिससे जो आइसक्रीम है वो अट्रैक्टिव बन जाती है। केवल आइसिंग काम यही होता है जिससे इसमें फ्लेवर आए और अट्रैक्टिव दिखे। नेक्स्ट वोकैबुलरी बैरल। बैरल क्या होता है? ए सिलेंड्रिकल कंटेनर फिसलिंग आउट इन द मिडल, ट्रेडिशनली यूज्ड ऑफ वुडन स्टेप्स विद स्टीप रूफ अराउंड देम। देखिए इसका मतलब यही है कि जो बना हुआ है वो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और जिस वो मोस्टली एक वुडन स्टीप से बना हुआ है और जिसके चारों तरफ एक मेटल की हुफ्स लगाई जाती है, इसी चीज को हम बैरल बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में लकड़ी के पीपा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी गेल। गेल क्या होता है? गेल का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब जब विंड बहुत तेजी से चलती है उसी चीज को हम गेल बोलते हैं। इस पिक्चर में देखेंगे कि जो विंड की तरह से वो उधर की तरफ है, क्योंकि जो पेड़ है वो सारा इधर की तरफ मुड़ गया है, इसी चीज को हम गेल बोलते हैं। जब इतनी तेज आंधी चलती है कि पेड़ भी एक साइड हो जाए, उसी चीज को हम गेल बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी वेल। वेल क्या होता है? ए लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर हे और कॉटन, मतलब ये किसी भी बंडल बना लेना किसी चीज का, पेपर का हे मतलब कि घास का और कॉटन का। अगर हम इन तीनों में से किसी चीज का एक बंडल बनाकर उसको एक साथ रखते हैं, उसी चीज को हम बेल बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो इस पिक्चर में देखेंगे आप ये जो बेल बने हुए हैं वो एक हे के बने हुए हैं, क्योंकि ये हे है और इसका जो बंडल बना हुआ है वो राउंड राउंड शेप में बना हुआ है, इसी चीज को हम बेल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी फ्यूजलेज। फ्यूजलेज क्या होता है? दी मेन बॉडी पार्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का जो मेन बॉडी होती है उसी चीज को हम फ्यूजलेज के नाम से जानते हैं। इसको पिक्चर के थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अंदर जो आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है उसको कंप्लीट हम फ्यूजलेज के नाम से जानते हैं, लेकिन जो आगे का पार्ट होता है इतना वाला, इसको हम कॉकपिट के नाम से जानते हैं। बाकी का जो आपको यहाँ से लेके अंत तक दिख रहा है इतना वाला, इसको हम फ्यूजलेज बोलते हैं। अब आप फ्यूजलेज का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब क्या होता है? टू गो ऑन टू ए शिप एयरक्राफ्ट और ट्रेन, सिंपल मीनिंग है अगर हम शिप एयरक्राफ्ट और ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं जाने के लिए कहीं, उसी चीज को हम एम्बार्क बोलते हैं। इस पिक्चर में देखेंगे जो मिलिट्री है वो एक हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ रही है कहीं जाने के लिए, इसी चीज को हम एम्बार्क बोलते हैं। इसी के साथ अपनी वोकैब तो कम्प्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी आप पढ़ना बाकी अपना है होमोनिम्स। देखिए होमोनिम्स इसके अंदर है पेन और पेन, दोनों का बोलने में मतलब तो एक ही है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग और दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इस पेन का मतलब होता है ऐसी कोई विंडो जो ग्लास से बनी हुई हो, उसी चीज को हम पेन बोलते हैं। और इस पेन का मतलब होता है जो बॉडी अपनी सफर करती है, जिसको हम हिंदी में दर्द के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आवर विंडो पेन वाज ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड आवर होम। जो अपना विंडो का पेन है, मतलब जो विंडो है उसका जो ग्लास से बना हुआ विंडो है वो, और वो चिल्ड्रन के द्वारा तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ दिया जाता है? जो कि वो चिल्ड्रन है वो खेल रहे हैं क्रिकेट तो घर के बाहर। यहाँ पर जो पेन का मतलब है वो एक विंडो ग्लास से है। नेक्स्ट एग्जांपल है सी इज फीलिंग पेन इन द नेक, मतलब कि वह वो एक दर्द सेंस कर रही है या फिर फील कर रही है नेक के अंदर। यहाँ पर जो पेन का यूज किया गया वो दर्द के लिए किया गया है, मतलब इस पेन का यूज किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी के साथ ही अपनी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।